हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन का जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी दाल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे तुअर दाल को आधा घंटा पहले इस तरह से धो के भिगा लिया है। आप अपने पसंद की कोई भी दाल ले लें। और मैं यहाँ पे एक कैरी ले रही हूँ, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से इसमें डालूंगी 4 से 5 लहसुन और 1 चम्मच भर का हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। अब इसको हम थोड़ा सा कुचल लेंगे इस तरह से। इसको हम दाल में ऐड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट भी करें, हमें आपके सुपर थैंक्स की बहुत जरूरत है। तो इसको हमने इस तरह से कुचल लिया है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह कुकर रख लिया है। अब मैं इसमें तुअर दाल डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप अपने पसंद की कोई भी दाल ले लें, लेकिन तुअर दाल की कैरी दाल बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पर तुअर दाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इस तरह से कटे हुए कैरी। आप खट्टाई देख लें कैरी का, क्योंकि अगर ज्यादा खट्टा आप पसंद नहीं करते तो थोड़ा कम क्वांटिटी ले लें। अब हम इसमें डालेंगे ये कुटा हुआ लहसुन और मिर्ची। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे डालते हैं तो बहुत टेस्टी बनेगा आपका दाल, कैरी दाल। इस तरह से हम थोड़ा सा मिला लेंगे। एक छोटे चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी। हम लहसुन को बगार में भी डालेंगे। और अगर आप लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं करते तो स्किप कर लें, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। मैं यहाँ डालूंगी 1 स्पून भर का तेल, क्योंकि तेल डालने से बहुत जल्दी गलता है दाल आपका 3 सीटी में। हमने यहाँ पे 1 स्पून भर का तेल डाल दिया है। हम थोड़ा और 1 गिलास पानी, नहीं हम थोड़ा और 1/2 गिलास पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं। अब इसको हम अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च 4 से 5। हमने हरी मिर्च डाल दिया है इस तरह से कटे हुए। फ्रेंड्स, हम हरी मिर्च का फ्लेवर थोड़ा ज्यादा ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमने लाल मिर्च थोड़ा कम डाला है। तो अब हम इसको लगा देंगे ढक्कन 3 सीटियों के लिए। 3 से 4 सीटी लगा के इसको हम गला लेंगे। तो चलिए ओपन करके चेक करते हैं। तो दाल है वो अच्छे से गल गई है। हम इसको थोड़ा सा मैश करेंगे, ज्यादा नहीं, हल्के हाथों से। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बनती है जिस तरह से आपने लहसुन और मिर्ची इसमें डाला है। यकीन माने बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल में। तो हम इसको ज्यादा नहीं मैश करेंगे, बस थोड़ा सा। दाल थोड़ी सी खड़ी ही रहेगी हमारी। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1/2 गिलास पानी, ज्यादा नहीं। तो हम ऐड कर रहे हैं 1/2 गिलास पानी। अब यहाँ पे आप नमक, मिर्ची और खट्टा टेस्ट कर लें। यहाँ पे मैं डालूंगी 1 चम्मच और नमक, क्योंकि नमक कम है। अब हम गैस को ऑन करके थोड़ी देर पकाएंगे। तो दाल हमारी यहाँ पे अच्छे से पक रही है। तो जब तक ये दाल हमारी पक रही है, चलिए हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। इसमें हम डालेंगे तेल। अब हम इसमें डालेंगे 2 लहसुन। हमने ऑलरेडी दाल में लहसुन डाला है, तो मैं बगार के लिए सिर्फ 2 लहसुन ही डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दाल में लहसुन का फ्लेवर ज्यादा हो। हमको सब, जैसे मैंने कैरी डाला है, कैरी का फ्लेवर हो,
और प्याज आधा कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज छोटा चम्मच, राई छोटा चम्मच, जीरा सूखी मिर्च, प्याज को हम थोड़ा सा लाल करेंगे तो उसके साथ साथ जो राई और जीरा है वो भी लाल हो जाएगा। अगर आप पहले डालेंगे तो आपका बगा जल जाएगा क्योंकि प्याज थोड़ा टाइम लेता है लाल होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, मैंने दो, और लास्टली हम इसमें डालेंगे एक छोटा स्पून हींग। हींग बहुत इम्पोर्टेंट है दाल में, आप कोई भी दाल बनाए बगा रहे उसमें हींग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हींग का तड़का। तो अब हमारा बगा हो गया है रेडी। गैस को बंद कर लें। अब दाल में हम बगार करेंगे। उसे हमारी कैरी दाल हो गई है रेडी। इसको गरम गरम चावल के साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें, खाएं और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।